कलयुग में मिल गई भगवान राम की सबरी। राम को पाने के लिए पिछले 30 सालों से है मौन व्रत। जुबान होते हुए भी पिछले 30 सालों से गूंगी बनकर रह रही है राम की ये सबरी। मौन व्रत करने से पहले बोली थी, जब राम अयोध्या में आएंगे तभी बोलूंगी। 7 साल तक 14 किलोमीटर की परिक्रमा की, बस 1 गिलास दूध पीकर राम की आराधना की, फिर भी नहीं मिले तो रख लिया मौन व्रत। अब अयोध्या में आने वाले है राम तो धन्य हो गया उनका जीवन। 22 जनवरी को राम के नाम से ही तोड़ेंगी अपना मौन व्रत। देखिए कौन है कलयुग की सबरी जो अपने राम के इंतजार में बूढ़ी हो गई पर भक्ति करना नहीं छोड़ा। त्रेता युग में भगवान राम और सबरी की कहानी हर किसी ने सुनी होगी। हर किसी को पता होगा कि राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक सबरी कलयुग में भी है जो प्रभु श्री राम के अयोध्या में आने का पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रही है। इतना ही नहीं, जुबान होते हुए पिछले 30 सालों से उन्होंने किसी से बात तक नहीं की, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक भगवान राम अयोध्या नहीं आते तब तक गूंगी बनकर रहूंगी। और अब उनका बरसों पुराना इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आने वाले हैं। और इसी के साथ वायरल होने लगी प्रभु श्री राम की सबरी की ये कहानी। आखिर कौन है ये महिला, क्यों इसे लोग कलयुग की सबरी कहकर बुलाते हैं, और क्यों इसने अपना सारा जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया, पूरी कहानी आपको बारीकी से बताएंगे। बस अगले 3 मिनट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि दुनिया का हर सनातनी कलयुग की सबरी की राम भक्ति को देख सके। पूरी दुनिया जानती है कि माता सबरी की आस्था प्रभु श्री राम को उनकी कुटिया तक ले आई थी। और ऐसी ही आस्था धनबाद की करमठा निवासी 85 वर्षीय सरस्वती अग्रवाल की है, जिन्होंने 30 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर का संकल्प लेकर मौन व्रत शुरू किया था। प्रभु श्री राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाली सरस्वती अग्रवाल का अधिकतर समय अयोध्या में बीता है और बेहद खुश है। और लिख कर बताती है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, राम लला ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बुलाया है। मेरी तपस्या साधना सब सफल हो गई। 30 साल बाद मेरा मौन व्रत राम के नाम से टूटेगा। आपको बता दें कि सरस्वती अग्रवाल 1992 में अयोध्या गई थी। वहां ये राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख संत गोपाल दास से मिली। उन्होंने इन्हें कांतानाथ पहाड़ की परिक्रमा करने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद ये चित्रकूट चली गई, जहां 7.5 महीने कल्पवास में रहकर 1 गिलास दूध पीकर रही। साथ ही रोजाना कांतानाथ पहाड़ की 14 किलोमीटर की परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद अयोध्या लौटी। 6 दिसंबर 1992 को स्वामी नित्य गोपाल दास से मिली और उनकी से मौन व्रत धारण कर लिया। संकल्प लिया कि जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसी दिन ये मौन व्रत तोड़ेंगी। आपको बता दें कि सरस्वती अग्रवाल 65 साल पहले देवकी नंदन अग्रवाल से विवाहित बंधन में बंध कर राजस्थान से आई थी। वो कभी स्कूल नहीं गई, उनके पिता ने उन्हें अक्षर ज्ञान दिया था। उसके बाद किताबें पढ़ना शुरू किया, लिखना सीखा। रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथों को आज रोज पढ़ती हैं। अब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से उनका जीवन धन्य हो गया और उनकी इसी तपस्या और साधना से आज हर कोई उन्हें जानना चाहता है। ऐसे में इस कलयुग के सबरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिएगा और खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।